मेरा ये मानना है कि जिम्मेदार पदों पे बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान या बात नहीं करनी चाहिए, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दुर्भाग्य है कि लगातार इस प्रकार के बयान, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाथ में लट उठा लो, तो हमें आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के एक सांसद भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन जो है, मैं समझता हूँ कि जो भाषा है वो राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, भाषा प्यार प्रेम की होनी चाहिए और जोड़ने वाली होनी चाहिए, माहौल बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक साल लगभग हो गया है, सरकार को बातचीत के लिए तुरंत बुलाना चाहिए। जो किसान संगठन है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे सरकार ने 11-12 बार बातचीत की है, उनको सरकार बुलाए, इस आंदोलन का समाधान करे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाजपा क्योंकि इस आंदोलन का समाधान नहीं करना चाहती, क्या कारण है वो प्रदेश के लोग, देश के लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा, इस सरकार की मंशा, इस आंदोलन का समाधान और किसान की समस्याओं का समाधान करने वाली मंशा नहीं लग रही। लेकिन कल का जो बयान रहा, उसमें दीपेंद्र को ही क्यों टारगेट किया गया? देखिए, ये वो स्वयं बताएंगे क्या कारण है, वो तो ये स्वयं बताएं। लेकिन जो बयान दिया गया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैंने जब मेरे वो बात जो बोली कि भाई लोग इनकी मंशा देख रहे हैं, मेरे को अपने मैं अपने मन से क्या मंशा बताऊं, लोग समझ रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो इन्होंने दिए हैं, वो बेरोक टोक के, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, हमारा भी राष्ट्रीय दल है, उनका भी राष्ट्रीय दल है, मगर बेरोक टोक के इस तरह की भाषा जो सार्वजनिक जीवन में जो कोई इस्तेमाल नहीं करता, उनके नेताओं द्वारा जो बार बार इस तरह के बोल आ रहे हैं सामने, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है माहौल खराब करने की कोई ना कोई बात दिखा। और देखिए, वो उनकी मंशा क्या है वो बताएं, मैं अपने मुंह से इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। उनकी क्या क्या मंशा है वो माने, मैं लोग उनकी मंशा समझ रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे हैं, कम से कम उनको गैर जिम्मेदार बात और भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने एक बात कही कि असंवेदनशीलता की सारी सीमाएँ सरकार ने लांघ दी हैं, और हर वर्ग पे तो वार हो रहा है, जैसे महंगाई की बात हुई और किसान पे विशेष तौर पे, चाहे वो DAP खाद की बात हो आपने देखा, चाहे ये जल भराव से व्यापक नुकसान की बात हो, चाहे खरीद के अंदर बाजरे की खरीद में MSP हटाने की बात हो, या धान की खरीद में 25 क्विंटल की कंडीशन लगाने की बात, तो हर बात पे ऐसा दिखाई देता है कि सरकार अपनी स्वयं अपनी जनता के खिलाफ हो चुकी है। केवल जनता ही सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार भी जनता के खिलाफ हो चुकी है, और हर फैसले जन विरोधी सरकार ले रही है, और इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सकारात्मक भूमिका निभाई जाए, लोगों के मुद्दे उठें, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम लड़ाई लड़ें, और प्रदेश में एक सकारात्मक विकल्प लोगों को दिया जाए ताकि प्रदेश पटरी पे वापस आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।